आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज यूपी के दंगल का आखिरी चरण है। 9 जिलों की 54 सीटों पर 2,06,00,000 वोटर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसके साथ ही योगी सरकार के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। 2017 की विधानसभा चुनाव में 7वें चरण की 54 सीट में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा को कुल 36 सीट मिली थी। इनमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुभाषपा को 3 सीट प्राप्त हुई थी। वही सपा को 11, बसपा को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछली बार 2017 में अपने दम पर लड़ी निषाद पार्टी इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जबकि सुभाषपा ने सपा से गठबंधन कर लिया है। 7वें फेस का चुनाव 9वें जिले के 54 सीटों पर हो रही है। 613 प्रत्याशी कुल चुनावी मैदान में है। पूर्वांचल में यह पूरा चुनाव हो रहा है। वहीं आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें, मऊ में 4 विधानसभा सीटें, गाजीपुर में 7, जौनपुर में 9, मिर्जापुर में 5, चंदौली में 4, सोनभद्र में 4 और भदोही में 3 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर बात की जाए दिग्गजों की, तो कई दिग्गज और मंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। 2017 के अगर नतीजों की बात इन 9 जिलों की जाए, तो 2017 में कुल 54 सीटों पर 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, 11 सीटें सपा के खाते में गई थी, बीएसपी के खाते में 6 सीटें, वहीं कांग्रेस के सीट खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। वहीं जो अन्य पार्टी है उनके खाते में 1 सीट गई थी। अगर बात किया जाए बड़े चेहरों की, तो कई बड़े चेहरे अपनी किस्मत इस 7वें चरण में आजमा रहे हैं। वहीं कई कॉन्ट्रोवर्सियल चेहरे भी अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। बात अगर 9वें फेज की जाए, तो 9वां फेज पूर्वांचल के 9 जिलों में हो रहा है, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, ऐसे 9 जिले शामिल हैं। मऊ काफी हॉट सीट बना हुआ है, आजमगढ़ भी हॉट सीट बना हुआ है, आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, जौनपुर, सोनभद्र, भदोही। सोनभद्र में विकास के मुद्दे हमेशा से सामने आते रहे हैं। भदोही की अगर बात की जाए, तो भदोही में भी विकास एक अहम मुद्दा है। वहीं इस चरण को लेकर लगातार कई दिग्गज अपनी बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। किसी ने कहा है कि अन्य पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, तो किसी ने कहा है कि 54 की 54 सीटें हम जीतेंगे। तो इन सब बातों के बीच आज 7वें चरण का चुनाव है। की जाए तो 9 जिले की 54 सीटों पर 613 कुल प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत दांव पर है। वहीं कई मंत्री और कई बड़े चेहरे भी इस बार विधानसभा चुनाव में हैं। वहीं हमारे संवाददाता सोनभद्र से रविंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र, मतदान केंद्र पर क्या कुछ तैयारियां है और क्या लोग आना शुरू हो गए मतदान केंद्रों पर, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। बता दूं कि सोनभद्र में 4 विधानसभा लगती हैं, जिसमें सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया है। जी, इस बार सोनभद्र की जनता के मुद्दे क्या है रविंद्र, किन मुद्दों के साथ जनता चुनावी मैदान में आ रही है? यहाँ की जो मुद्दा है, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, तमाम ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला सोनभद्र जिला है, लेकिन आज भी यहाँ समस्याओं का अभाव नजर आता है। कौन कौन सी अहम समस्याएं हैं रविंद्र सोनभद्र से? शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, अन्य कई ऐसी समस्याएं हैं जो सोनभद्र को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा यदि प्रदेश में कोई राजस्व देता है तो सोनभद्र जिला है। जी, वही अगर बात किया जाए वहां से दिग्गज की, तो सोनभद्र से कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे हैं? जी बिल्कुल, सोनभद्र में 4 विधानसभा, इसमें सदर से वर्तमान विधायक भूपेश चौबे भाजपा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वही अनिल मौर्य घोरावल से आजमा रहे हैं, जो विधायक हैं। जो संजीव गौड़ समाज कल्याण राज्य मंत्री है, ओबरा से आजमा रहे हैं। और बुद्धि विधानसभा से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो सपा को लगा के दाव आजमा रहे हैं। जी, अगर बात किया जाए वहाँ पे बड़े चेहरों की, तो प्रचार प्रसार के लिए भी कई बड़े चेहरे वहाँ पर आए, इसका क्या कुछ असर देखने को मिला रविंद्र?
देखिए बड़े चेहरे आए उससे नहीं है, जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो चीज नहीं है। जनता को कहाँ मतदान करना है, किस मुद्दे को क्या चाहिए उनको, उसी मुद्दे को भी मतदान करेंगे। वहाँ के जो मतदान केंद्र है उनपे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर? जी बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है। और सोनभद्र में रावत सिंह विधानसभा और दुद्धी विधानसभा में आसमानी मार्ग से जी रविंद्र, वहाँ पे जो भी मतदाता आ रहे, क्या आपने उनसे कुछ बातचीत करी, उनसे जानने की कोशिश करी उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, जिसको भी वो चुनेंगे, जिसको भी वो सरकार में लाएंगे उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं कि वो क्या कुछ और सोनभद्र के लिए विकास करें, क्या कुछ नए वहाँ पर योजनाएं लाए? आपने किसी मतदाता से बातचीत की? यहाँ के जो मतदाता, उनका मूल मुद्दा है कि हमारे यहाँ से जितने पावर प्लांट्स लेके जितनी व्यवस्था हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ बाहर के लोग आते हैं, लोकल को काम नहीं दिया जाता है। इन्हीं मुद्दों के साथ यहाँ की जो जनता है मतदान करेगी। जी अगर बात किया जाए वहाँ पर दिव्यांग जनों की, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ सुविधा की गई है मतदान केंद्रों पर रविंद्र? ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई, जो भी जाने में चलने में सक्षम नहीं है उनके ट्राई साइकिल की व्यवस्था है। जी वही अगर बात महिला सुरक्षा की जाए, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग से व्यवस्था की गई है, क्या उनके लिए अलग से कोई कतार है, या फिर कुछ महिला पुलिस वहां पर है महिलाओं के मतदान के लिए, क्या कुछ महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, महिला पुलिस की तैनाती की गई है, पुरुष और महिला के लिए दो अलग अलग लाइनों का व्यवस्था की गई है। और वहां से क्या कोई अलग मसला निकल के सामने आ रहा है, कोई अलग मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, क्या जनता में पहले भी कुछ नाराजगी ऐसे सोनभद्र से सामने आ रही है? अभी जानी बूथ पे मशीन की गड़बड़ी आई थी, लेकिन एक घंटा मतदान ब्रेक रहा, अधिकारी पहुंच करके पुनः उसको चालू कराया गया। जी आपने कौन से मतदान केंद्र का नाम बताया, एक बार फिर से बताए। इंजानी 124 बूथ संख्या इंजानी में। इंजानी, अच्छा, तो वहाँ पर क्या मतदाताओं को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई मतदान करने में? पुनः अधिकारी आए, फिर मतदान चालू हो गया, पूर्ववत के बाद चालू हो गया। जी आप मतदान केंद्र पे हैं और जो लोग मतदान करने आए हैं, आप उनसे बातचीत करें और उनसे जाने की क्या कुछ उनका मत है? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने मतदान करने नहीं, तो किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, किसानों की हालत खराब है, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं हुआ, और शिक्षा स्वास्थ्य पे पटरी पर आई सरकार में, इस मुद्दे पर हम वोट कर रहे हैं और जनता कर रहे हैं। हाँ सर, क्या क्या नाम है दादा? बंसी लाल। कहाँ के रहने वाले? निवास के रहने वाले। मतदान आपने कर लिया? हाँ, कर लिया। किन मुद्दे को लेकर मतदान किया? मतदान हेलो जी, बिल्कुल रविंद्र, आप बिल्कुल लोगों से बात करें। यहाँ पे बिल्कुल सभी लोगों के में महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा समझ में आ रहा है जी। रविंद्र, शिक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है सोनभद्र में? शिक्षा के लेकर यहाँ पे कोई भी बड़े कॉलेज, जिसके कारण हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए कंजर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सोनभद्र के लिए। तो वहाँ की जनता का क्या कुछ डिमांड है हायर एजुकेशन स्कूल्स के लिए, कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा सोनभद्र में ही मिल पाए, और उसको लेकर क्या कोई डिमांड की गई है प्रत्याशियों से, क्या उनके कुछ वादे और दावे हैं सोनभद्र की जनता से कि हायर एजुकेशन और एजुकेशन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? अभी प्रत्याशियों के लिए कोई दावे नहीं, लेकिन मतदाता जो है अब जागरूक होंगे, अपने हिसाब से ही मतदान करेंगे जहां उनको जाना। उनको पूरी सुविधा है, शिक्षा व्यवस्था रोजगार जो मुहैया कराए उसी को मतदान करेंगे जी। और अगर बात की जाए सोनभद्र की, तो सोनभद्र में तमाम ऐसे बड़े वादे और दावे बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा की गई थी, और जैसा हमने बताया कि कई बड़े चेहरे वहां पर भी हैं, तो रविंद्र हम एक बार जो पिछले 5 सालों के कार्यकाल है इनके, जो वहां से मौजूदा विधायक है विधानसभा सीटों से, हम ये भी जानना चाहेंगे उन्होंने क्या कुछ कार्य किया है सोनभद्र की जनता के लिए अपनी अपनी विधानसभाओं में। वर्तमान में जो भी विधायक है उनसे कार्य, उनके कार्य 5 साल के कार्य से जनता संतुष्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ क्या कुछ कार्य किया, जो 4-4 विधानसभाएं हैं सोनभद्र में, चारों विधानसभा पे कौन कौन से पार्टी के दिग्गज थे और किसने क्या कुछ विकास कार्य किया, आप बिल्कुल जनता से बात करें और ये भी पूछे कि जो पिछला विकास कार्य उन्होंने किया, और आप उनको जनता क्या कुछ चाहती है कि और क्या कुछ विकास कार्य किया जाए सोनभद्र में कि चारों विधानसभाओं पर। क्या नाम है? किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दों पर। तो क्या जो अभी सरकार मौजूदा विधायक रहे
पाँच साल के, इनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? इनके कार्यों से तो संतुष्ट नहीं है, तो जो वर्तमान के विधायक हैं। जी, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास। क्या वर्तमान में भाजपा अपना दल से चारों विधानसभा में चारों विधायक रहे, क्या इसे आप संतुष्ट हैं? जी, योगी सरकार संतुष्ट है। योगी सरकार से संतुष्ट है? लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ के लोकल विधायक से लेकर योगी सरकार से संतुष्ट है। जी, लेकिन इनको और क्या क्या योजनाएं और क्या क्या लाभ चाहिए, आप ये भी पूछे कि इनको और क्या क्या लाभ चाहिए सोनभद्र के लिए। पीछे एक महिला भी खड़ी है, आप उनसे भी बात करें कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं सोनभद्र में। क्या नाम है आपका? सोनभद्र में महिलाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या सोच के आप मतदान करने जा रही है? क्या आपको कुछ इससे क्या चाहिए? सबको आवश्यकता होती है, तो आपको किस तरह की आवश्यकता, क्या चाहिए आपको सुरक्षा से? क्या इस सरकार से कितना संतुष्ट है, कहाँ से नहीं संतुष्ट है? आखिर मत अपना प्रयोग करें। बात मुद रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, यहाँ पर उसे वो कार्डो नहीं देते हैं, वोट निकालते हैं, हम लोग यहाँ बसते हैं, हम लोग कार्डो नहीं देते। तो ये जो विधायक है इसके कारण संतुष्ट है कि नहीं? अब कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग संतुष्ट नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि हाँ संतुष्ट नजर आ रहा है योगी सरकार से, न कि लोकल विधायक से। जी, अगर महिलाओं की बात की जाए तो सोनभद्र में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं रविंद्र? महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ महिलाओं को चाहिए सोनभद्र की महिलाओं को? बिल्कुल, हर जगह महिलाओं या पुरुष सबको सुरक्षा, सबको चिकित्सा, सबको शिक्षा, ये सबके लिए जरूरी है, सबकी मांग यही है। तो वहाँ पे कई ऐसी महिला जो स्टार प्रचारक है बड़ी पार्टियों की, वो भी आई थी प्रचार करने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया है, तो उन लोगों ने महिलाओं से क्या कुछ वादे किए हैं, महिलाओं से क्या कुछ अलग वादे किए गए सोनभद्र में कि अगर उनको जनता चुनती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ विकास करेंगी? जो बड़े स्टार प्रचारक है उनके क्या वादे और दावे हैं? हेलो जी रविंद्र, अगर बात की जाए बड़े चेहरे जो स्टार प्रचारक से सोनभद्र में गए थे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में टिकट दिए हैं और वोट मांगे हैं, अब जिन भी प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिए हैं, उन स्टार प्रचारकों के क्या दावे हैं, क्या कुछ विकास कार्य करने को उन्होंने कहा है अपने भाषण में, अपने जनसभा में या फिर अपने जो डोर टू डोर कैंपेन है उसमें? यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से पूरी व्यवस्था जी बिल्कुल जी, धन्यवाद रविंद्र, आप बिल्कुल मतदान केंद्रों पर बने रहिए, वहाँ का जायजा लेते रहिए, हम थोड़ी देर में आपके पास लौटेंगे। संवाददाता सोनभद्र से रविंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि सोनभद्र की जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, सोनभद्र की जनता क्या कुछ विकास कार्य चाहती है। वही सातवें चरण का चुनाव 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रहा है, 613 विधानसभा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वही आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें, वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, मऊ की 4, गाजीपुर की 7, जौनपुर की 9, मिर्जापुर की 5, चंदौली की 4, सोनभद्र की भी 4 विधानसभा सीटें और भदोही की 3 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यह मतदान चलेगा। जनता सातवें चरण में प्रत्याशियों के 613 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेगी। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है सातवें चरण का चुनाव कराने के लिए। वहीं अगर बात 2017 के नतीजों की जाए तो 2017 में इन 54 सीटों पर सातवें चरण के 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, सपा के खाते में 11 सीटें गई थी, बीएसपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें यहां पे से मिली थी। वहीं अगर अदर की बात की जाए अन्य पार्टी की, तो उनके खाते में 1 सीट गई थी। 2022 कई मायनों में अहम रहा है, क्योंकि 2022 के सातों चरण के मुद्दे हमेशा से अलग होते रहे हैं। वहीं अगर बात सातवें चरण के हॉट सीट्स की करें तो कई सीटें हॉट सीट्स बनी हुई हैं। वहीं मऊ से कई ऐसे लगातार अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनावी मैदान में, हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो पुलिस प्रशासन को कुछ कहते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने उन पे कार्रवाई भी की थी, उन पे मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं इलेक्शन कमीशन द्वारा भी उन पर
एक्शन लिया गया था। और इन सब चर्चों के बाद वही अगर बात मल्हनी विधानसभा की जाए जौनपुर की, तो मल्हनी विधानसभा से धनंजय सिंह चुनावी मैदान में है, लकी यादव चुनावी मैदान में है। ये भी बड़े दिग्गज है, बड़े चेहरे, देखना होगा कि इनकी किस्मत का फैसला जनता क्या कुछ करती है। कोई गठबंधन से, कोई सपा से बसपा, तो अलग अलग अन्य अन्य पार्टियों से बड़े चेहरे भी सातवें चरण में चुनावी मैदान में है। वहीं अगर मंत्रियों की बात करें तो कई मंत्री चेहरे भी इस बार विधानसभा चुनाव में है। अब देखना यह होगा कि पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी अपना कमाल दिखा पाती है या फिर कोई अन्य पार्टी यहां पर बाजी मारेगी, और इसका पता 10 मार्च को पता चलेगा। जनता किसकी किस्मत का क्या फैसला की है, जनता किसको विधानसभा लखनऊ भेजेगी, क्योंकि कई मायनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव अहम माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। आज यूपी के दंगल का आखिरी चरण है, 9 जिलों की 54 सीटों पर 2,06,00,000 वोटर्स, 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वही हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अजीत पाठक चंदौली से हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीत, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां के मतदान केंद्रों पर, मतदाता आना शुरू हो गया और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? मैम, हम आपको बता दें कि लगभग 7 बजे से यहाँ पर मतदाता चालू हो गया है और शाम को 6 बजे तक यहाँ मतदान होगा यहाँ पर। और इसमें हम मुगलसराय विधानसभा में और बबरी के में आए हैं और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात भी की गई है और अंदर लोग जा भी रहे हैं और मतदान कर भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब कि उधर अंदर जा रहे हैं और मतदान चालू हो गया अभी। मतलब कि कुछ आदमी निकल रहे हैं घर से और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 12 बजे के बाद कोचिंग का कुछ प्रभाव यहाँ पड़ेगा और देखने को मिलेगा कुछ नया, क्योंकि अभी तो 10 या 15% के अनुमान हम लगा रहे हैं कि वोट पड़ रहा है यहाँ पर अभी तक घर से कुछ लोग उतना नहीं निकल पा रहे हैं और वही लगभग 12 बजे के बाद देखते हैं कि कितना वोट यहाँ पर पड़ता है। जी अजीत, कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कोविड गाइडलाइन का कैसे पालन करवाया जा रहा है? कोविड गाइडलाइन का बेहतर ढंग से पालन कराया जा रहा है, जितने भी कोविड गाइडलाइन है मास्क लगाया जा रहा है और सैनिटाइज करा के सभी अंदर वोटिंग कराई जा रही है, हर चीज का बखूबी से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। अजीत, दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है चंदौली की मतदान केंद्रों पर, जो दिव्यांग जन है जिनको चलने में दिक्कत होती है, ओल्ड एज लोग, उनका भी मत बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर कि वो आसानी से मतदान कर पाए? मैम, दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था यही है कि वो आ रहे अपने एक टोटो से, अभी गए कुछ समय हुआ है, अभी टोटो से पर्सनल जा रहे, उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है और उनको बढ़िया से ही अंदर ले जाके उनको वोटिंग कराया जा रहा है और बढ़िया से यहाँ मुगलसराय विधानसभा में चुनाव आराम से शांतिपूर्वक कराया जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या महिलाओं के लिए कोई अलग महिला पुलिस तैनात की गई है, महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या उनके लिए कोई अलग से लाइन है, क्या कुछ व्यवस्था महिला मतदाताओं के लिए किया गया है? मैं महिला मतदाताओं के लिए मतलब कि अलग सी लाइन है और पुरुषों के लिए अलग सी लाइन है, मतलब कि दो बूथ है। पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बूथ है, एक इधर बूथ है और एक इधर बूथ है, इधर पुरुष है उधर महिला है, तो अलग अलग मतलब कि व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए हर व्यवस्था की है और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए महिलाएं उधर भी वोट कर रही है और पुरुष इधर भी वोट कर रहे हैं मुगलसराय विधानसभा में। जी, अगर बात की जाए चंदौली के मुद्दों की, हम सीधा चंदौली के मुद्दों पे आते हैं, तो चंदौली में किसानों का भी अपना एक अहम मुद्दा है, कई विकास का भी अपना एक अहम मुद्दा है, रोडों का भी अपना एक अहम मुद्दा है, तो जीत किस तरह से इस बार की जनता क्या कुछ दिमाग में रख के मतदान केंद्रों पर जा रही है उसको, और कुछ क्या विकास कार्य चाहिए, क्या आपने किसी मतदाताओं से बातचीत की और आप उनसे बातचीत करिए और बिल्कुल उनका हमें मत बताइए कि किस मुद्दों को लेकर चंदौली की मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रही है? मतदान जो करके आ रहे थे हम उनसे पूछे कि हम देखिए, एक लोग बोले कि हम बीजेपी को वोट दिए, अब एक लोग बोले कि सपा को हम वोट दिए, तो कहीं ना कहीं मतलब कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि हर ओरी में बीजेपी भी मतलब कांटे की लड़ाई देखने को मिली, अभी 12 बजे के बाद देखने को मिली, हर पार्टी की टक्कर की लड़ाई है बस। अगर बात हर पार्टी सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस किसी की जाए, सबकी अपनी अलग अलग लड़ाई है। आपने वहाँ के लोगों से बातचीत की अजीत, आप, मैं चाहूंगी कि वहाँ के मतदाताओं से आप बातचीत करें, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि चंदौली की जनता जो है
हम बात कर रहे हैं, देखिए आ रहे हैं मतदान करके, इससे हम बात करेंगे। मैं बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, महिलाएं थोड़ा सा हिचकती हैं जी बात करने में, महिलाएं जी। हाँ महिलाएं हिचक रही हैं मैम, आपको बता दें कि पूरी तरह से बता नहीं पा रही हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको पल पल का रिपोर्ट हम यहाँ पर देते रहेंगे। जी बिल्कुल अजीत, अगर बात किया जाए बड़े चेहरों की, तो कौन कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है चंदौली से? बड़े चेहरे रमेश जायसवाल हैं, और यहाँ से सपा से हमारे चंद्रशेखर यादव हैं, और तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, बहुत ऐसे हैं कि मतलब बड़े बड़े चेहरे हैं। और शायद राजा विधानसभा की बात करें तो हमारे सुशील सिंह विधायक वहाँ से बीजेपी से, और सपा से बात करें तो मनोज सिंह डब्लू हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे और दिग्गज यहाँ लड़ाई पाई जा रही है। अजीत, जो मौजूदा विधायक है उनके 5 सालों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, ऐसे में ये भी एक अहम मुद्दा है कि उन्होंने क्या कुछ विकास किया चंदौली का, जो अभी मौजूदा विधायक है? जो मौजूदा विधायक था यहाँ पर, उनका टिकट काट के दूसरे को दिया गया है मुगलसरा विधानसभा में, इस बार बीजेपी ने दूसरे को यहाँ पर टिकट दिया है। पहले मौजूदा विधायक थी साधना सिंह, अब यहाँ से विधायक है रमेश जायसवाल को टिकट दिया गया, तो कुछ सोच के यहाँ टिकट दिया गया है। अब आगे की देखिए क्या होता है, किसका पिटारा खुल पाता है, किसका नहीं खुल पाते है, यही देखिए। साधना सिंह के कार्यों से जनता कितनी खुश थी, उनके 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनसे जनता कितनी खुश है? साधना सिंह के कार्यकाल से बीजेपी की, जो साधना सिंह बीजेपी की विधायक थी यहाँ से, और यहाँ से कार से बहुत लोग खुश हैं और बहुत लोग भी नाराज हैं, ऐसी बात नहीं कहा जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुगलसरा विधानसभा की, तो यहाँ पर वोटिंग का काम चालू हो गया मतदान का, अब आगे देखिए कि क्या होता है। जी अगर बात पूर्वांचल की हो जीत, और जातिगत वोट की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत पे भी आधारित कहीं ना कहीं रहा है, तो किस जाति का वोट कितना है और किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए मुगलसरा विधानसभा की हम बात करें तो हमारे वैश्य समाज के यहाँ पर ज्यादा वोट पाए जाएंगे ये मुगलसरा विधानसभा में, तो हमको लगता है कि बीजेपी की ओर ज्यादा ही जा रहे हैं वैश्य समाज लोग, और हम आपको सकलडीहा में जाते हैं तो वहाँ से प्रभु नारायण लगे, तो वहाँ पर यादव ज्यादा पाए जाएंगे, मतलब हर और जाति सब वोट देके आ रहा है ना जी, बता दीजिए। तो मतलब एक अलग जाति का वोट, वोट बैंक अलग तरफ जाता हुआ चंदौली से साफ नजर आ रहा है जीत। जी वही अगर बात किया जाए जो युवा है चंदौली का, तो चंदौली का युवाओं को जो हालांकि पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं, खास करके हम उनकी बात करेंगे, उनके क्या कुछ मांग है? वो युवा है, उन्होंने कोविड महामारी अभी झेली है, क्या कुछ उनके मांग है, युवाओं के क्या कुछ मांग है जीत? युवाओं की यही मांग है कि इस बार उनको मतलब कि नई सोच आ रही है, नया हवा है इस समय, हम क्या बताएं, यहाँ पर बहुत मतलब तमाम किस्म की युवाओं तो भी रोजगारी से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, तो देखिए मुद्दे पर क्या बात के? अभी युवा भी आते हैं, हम उनसे भी बात करके आपको बताते हैं कि मतलब किस मुद्दे पर वोट दिए, क्या किए, आपको पल पल का रिपोर्ट देते रहे। जी बिल्कुल अजीत, अब ग्राउंड जीरो पे बने रहिए, हम जल्द ही आपके पास लौटेंगे और चंदौली की जनता का मत जानेंगे। हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ चंदौली से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि वहां के मुद्दे क्या है, मौजूदा विधायक ने क्या कुछ कार्य किए, चंदौली की जनता को क्या कुछ विकास चाहिए, और जातिगत वोट कितना है चंदौली में, अलग अलग जाति का वोट अलग अलग तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पूर्वांचल का चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से जातिगत पर आधारित रहा है, एक अलग समुदाय का वोट हमेशा से अलग अलग जाता दिखे, हालांकि विधानसभा चुनाव का आगाज होने से पहले ही अगर बात बसपा की जाए तो बसपा ने स्वर्ण वोट को साधना शुरू कर दिया था और कहा जा रहा था कि स्वर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिसको लेकर सभी पार्टी स्वर्णों को अपने अपने खेमे में करने की लगातार कोशिश कर रही थी, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही थी, ऐसे में देखना होगा कि स्वर्ण किसकी ओर जाता है। वहीं इस बार के चुनाव में
अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग एक जातिगत समीकरण लेकर भी चुनावी मैदान में है। बात अगर सपा की जाए तो सपा का एक MKY समीकरण जो है मुस्लिम कुर्मी यादव समीकरण बहुत ही पुराना अपना एक मुद्दा रहा है। मुस्लिम एक बड़ा खेमा हमेशा से सपा की ओर जाता रहा है, कुर्मियों का भी एक बड़ा खेमा हमेशा से सपा की ओर जाता रहा है। वही बात अगर यादव की जाए तो यादव भी एक बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने मुद्दे हैं मंदिर को लेकर, विकास को लेकर, जो बड़े बड़े वादे और दावे हैं ये धरातल पर कितने दिखाई पड़ेंगे और जनता इनके कार्यों से कितनी खुश है। इनके 5 साल के जो इनके विधायक हैं उनके कार्यकाल 5 साल के लगभग खत्म हो चुके हैं और इनसे जनता कितनी खुश है और जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजेगी ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि 2022 विधानसभा कई मायनों में खास रहा है। जहाँ 5 साल के कार्यकाल में 2.5 से 3 साल उम्मीदवारों का वक्त कोरोना में गया है, वहीं थोड़ा कम समय भी विकास के लिए मिला है ऐसा विधायकों का प्रत्याशियों का कहना है। मौजूदा सरकार का भी ऐसा कहना है कि हमें वक्त कम मिला कोरोना के चलते। कोरोना महामारी पूरे दुनिया ने झेली है, कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया ने झेली है, बेहद ही खासा असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। लोग ऑक्सीजन दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल बेड के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहे थे। ऐसे में देखना होगा कि इसका कितना असर 2022 विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, कितना प्रभाव 2022 विधानसभा पर डालेगा कोरोना। वहीं अगर बात महिला सुरक्षा की करें तो महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा रहा। लगातार जिस तरह से महिलाओं को लेकर कई तरह की घटनाएं सामने आई, उस पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा, इसका भी बेहद असर देखने को मिलेगा 2022 विधानसभा चुनाव पर। बाढ़ के मुद्दे भी अपने एक अहम मुद्दे रहे हैं, बाढ़ का मुद्दा भी 2022 विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। बात अगर पलायन की करें तो पलायन का भी कैराना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपना अहम मुद्दा रहा है। वहीं बात किसानों का करें, किसान एक अहम मुद्दा बना रहा, किसान आंदोलन का भी एक खासा असर 2022 विधानसभा के चुनाव पर देखा जा सकता है। गन्ना किसानों की भी भुगतान का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, उसको भी देखा जा सकता है। वहीं बात अगर छठवें चरण की जाए तो छठवें चरण में आपने देखा होगा कि देवरिया से लगातार जिस तरह से चीनी मिलों को खुलवाने की मांग सामने आ रही थी और वहां पर भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। तो कुल मिला के आज आखिरी चरण है 2022 विधानसभा चुनाव का। आज 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसके साथ ही योगी सरकार की 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण की 54 सीट में बीजेपी और उनके सहयोगी अपना दल एस और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा को कुल 36 सीटें मिली थी। इनमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुभाषपा को 3 सीट प्राप्त हुई थी। वहीं सपा को 11, बसपा को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। पिछली बार 2017 में अपने दम पर लड़ रही निषाद पार्टी इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जबकि सुभाषपा ने सपा से गठबंधन कर लिया। तो इस बार गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना यह होगा कि गठबंधन क्या कुछ कमाल दिखा पाता है, गठबंधन क्या कुछ अलग कर पाता है, कितनी सीटें गठबंधन निकाल पाता है। 2022 की लड़ाई टक्कर की हो गई है। 2022 में कई ऐसे दिग्गज भी चुनावी मैदान में, ऐसा पहली बार हुआ है जब अखिलेश यादव पूर्व सीएम भी चुनावी मैदान में है और सीएम भी चुनावी मैदान में है। 10 तारीख को ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता ने किसकी किस्मत का क्या फैसला किया है। वही हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता अखिलेश मऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ वहां के मतदान केंद्र पर तैयारियां और किस तरह से चुनाव संपन्न करवाया जा रहा है मऊ में? कमलेश, मऊ के मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रशासन किस तरह से चुनाव संपन्न करा रही है मऊ में? जी त्रिकला जी, आपको हम बता दें, यहाँ मऊ विधानसभा पे जो हार्ड सीट मानी जाती है उसपे आज हम विधानसभा ग्राम सभा देवीपुर में जो हम इस समय मौजूद हैं, प्रशासन द्वारा एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जो प्रशासन भी द्वारा आपको बता दें भी लगे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत टाइट की गई है। वही हार्ड सीट को लेकर बार बार यहाँ जो अशोक सिंह और अब्बास अंसारी और भीम राजभर को बार बार मऊ के हार्ड सीट माना जाता है और कहा जाता है, और यहाँ सबसे ज्यादा राजभरों का वोट है। जी जी,
तो अगर बात किया जाए जातिगत वोट की कमलेश, तो मऊ में भी जातिगत वोट अपना एक अहम माना जाता है। आपने कहा राजभर वोट, तो जो भी सपा और राजभर, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा का गठबंधन है, गठबंधन वहां से कितना मजबूत नजर आ रहा है? अगर देखा जाए मैम, तो यहाँ त्रिकला जी की जो सबसे ज्यादा यहाँ राजभरों का वोट है, और राजभरों से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन अब्बास सपा से अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया है। वहीं कोई देखने को मिल रहा है कि जो हम ज्यादा उम्मीदवार ज्यादा कोई तो नहीं दिखने को मिलेगा, और आपको यहाँ बहुत काफी ज्यादा भी सुबह 7 बजे से और 6 बजे तक मतदान भी चलना है, और देखा जाए तो अभी कोई भी सिर्फ भीड़ भी नहीं दिख रही है, और मतदान बहुत आराम से किया जा रहा है, कोई ज्यादा विशेष। अगर बात अशोक सिंह की जाए तो मऊ से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, उनका क्या कुछ पैड देखने को मिल रहा है और जनता में उनका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है कमलेश? ये उनका भी प्रभाव बहुत, त्रिका जी बहुत ज्यादा ही प्रभाव है, जो कि ये नहीं कहा जा सकता है। यहाँ जो त्रिकोणीय ही लड़ाई है, जैसे कि इधर अशोक सिंह बीजेपी से है और भीम राजभर बीएसपी से है और अब्बास अंसारी सुवर्णदेव समाज पार्टी एंड सपा से ही है। जी, दारा सिंह चौहान का क्या कुछ पैड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए, तो ऐसे में जनता इन पर कितना कुछ विश्वास दिखा पा रही है? ये अगर वही देखा जाए तो उन्होंने जब बीजेपी में, उन्होंने जब मंत्री पूर्व मंत्री रह के और सपा में जब आए, तो विशेष वहाँ भी देखा जाए तो त्रिकोणी कई लड़ाई है, जैसे वहाँ इकबाल अहमद बीएसपी से हैं और विजय राजभर बीएसपी से बीजेपी से हैं, और वही सपा से दारा सिंह चौहान पूर्व मंत्री रह चुके हैं जो बीजेपी में रहे थे। जी, वही अगर बात किया जाए वहाँ पे व्यवस्था की, तो महिलाओं के लिए और दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यहाँ अगर देखा जाए तो दिव्यांगों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई, बस वही है कि थोड़ा उनको राहत दी जा रही है, विकलांगों के लिए कोई सुविधा इस वक्त यहाँ पे नहीं दी गई है। जी बिल्कुल कमलेश, आप बिल्कुल मतदान केंद्रों पर बनी रही, वहाँ के मतदाताओं से बात करिए, उनका मत जानिए, उनके मुद्दे जानिए, हम जल्द ही आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता कमलेश मऊ से हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने बताया कि वहाँ की जो हॉट सीट बनी हुई है और जो जातिगत वोट है, राजभर वोट वहाँ पे ज्यादा है, और वही अगर बात की जाए ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा की, तो सुभाषपा और सपा का गठबंधन है। ऐसे में देखना यह होगा कि यह गठबंधन कितना कुछ कमाल दिखा पाता है, अपने खेमे में जनता को करने में कितना इस बार कामयाब हो पाता है। तो लगातार अगर बात मऊ की जाए तो मऊ में भी लड़ाई टक्कर की है। दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अशोक सिंह जो बीजेपी से है, वो मऊ से वो भी है, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। विजय राजभर की बात की जाए तो विजय राजभर भी घोसी विधानसभा से चुनाव में है और ये बीजेपी से है, और वहीं अगर बात की जाए मऊ में, तो मऊ में राजभर वोट भी खासा देखने को मिला। ऐसे में देखना होगा कि राजभर वोट कितना बढ़ता है, कौन किस खेमे में जाता है। हालांकि मऊ की जनता का मुद्दा विकास बहुत पहले से रहा है। मऊ की अगर बात की जाए तो मऊ में कई ऐसे दिग्गज हैं जो काफी समय से वहां पर चुनाव जीतते चले आए हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं मऊ में, और मऊ के अपने एक अहम मुद्दे हैं। मऊ चुनाव के पहले भी हॉट सीट बना हुआ है, और इसके बाद से ही जैसे अब्बास अंसारी का एक वीडियो सामने आया था और उन्हें प्रशासन पर तंज कसा था, जिसके बाद से और कई अटकलें लगाई जा रही थी और हॉट सीट बन चुकी थी मऊ विधानसभा। ऐसे में अब ये देखना यह होगा कि क्या कुछ जनता विश्वास दिखा पाती है। अंत में फैसला जनता का ही होता है, जनता किसको वोट देती है, जनता किसकी पार्टी की ओर जाती है, जनता किसको चुनती है, यह पता 10 मार्च को ही चलेगा। 7वें चरण का चुनाव 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रहा है। 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पूर्वांचल में 9 जिलों में यह चुनाव हो रहा है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, वहीं गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। मिर्जापुर भी कई मामलों में खास माना जाता है। हमारे संवाददाता मिर्जापुर से संतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। संतोष, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां के मतदान केंद्रों पर, किस तरह से मतदान वहां पर संपन्न कराया जा रहा है? कृष्णा, यहां पे जो है जिला प्रशासन ने पूरी तरीके मुस्तैदी के साथ यहां पर मतदान सेंटर पर मतदान करने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। महिलाएं भी काफी संख्या में जागरूक है। यहाँ पे सुबह 7:05 से ही पोलिंग बूथ पर लोग आए और अपना पोलिंग करना जारी किए हुए हैं,
जिला प्रशासन ने लगभग इस चुनाव कराने के लिए 2265 सेक्टर और जोन में जो है यहाँ पर व्यवस्था की है। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है, पीएसी की है, बाहर से सीआरपीएफ पैरामिलिट्री बनाए गए हैं और नक्सल बेल्ट जो है 109 स्थान जो प्रभावित है वहाँ पर स्पेशल एसपी नक्सल के साथ साथ पैरामिलिट्री वहाँ पे लगाया गया है कि इसी प्रकार की कोई मतदाता को कोई दिक्कत न हो, अपने वोट को वो सही तरीके से स्वतंत्र रूप से करे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ जगह जगह पर व्यवस्थाएं की है। वहाँ पर कोविड गाइडलाइन की कैसे पालन कराया जाए और दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गया है संतोष? देखिए दिव्यांगों के लिए जो है घर से यहाँ तक मतदान सेंटर तक लाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर वो मतदान सेंटर तक आते हैं तो वो अपनी वाहन को जो है अंदर प्रवेश करा के यहाँ पर जो पैरा मिलिट्री लगी है हम आपको दिखा सकते हैं कि पीछे एक दिव्यांग जो है रिक्शे पर अपने आई है और अपना जो है ये मतदान यहाँ पे करने लाइन लगाई है। जिला प्रशासन इसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया है। इसके अलावा जो है जो वृद्ध है उनके लिए भी जो है अच्छे से व्यवस्था किया गया है। एक पैरा मिलिट्री है, पुलिस प्रशासन है, ये जो है ये देखिए पीछे हमारी दिव्यांग आई है और ये अपने मत को मतदान करने के लिए आई है। पीछे काफी लोग बड़े पैमाने पे जो है लाइन लगी है, प्रशासन भी लगी हुई है। पूरी ईमानदारी और तन्मयता से जिला प्रशासन मतदाताओं को हर सुविधा मुहैया करा रही है कि वो अपना मतदान अच्छे से और निष्पक्ष कर सके। जी संतोष, मिर्जापुर की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा आपने पीछे दिखाया तस्वीरों में किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, सुबह के 9 ही बजे हैं लेकिन काफी मात्रा में लोग, भारी मात्रा में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों का मुद्दा क्या है संतोष, जो मिर्जापुर की जनता है वो किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, उसको क्या कुछ विकास चाहिए मिर्जापुर का? देखिए जो मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मिर्जापुर जो है काफी पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर पथरीली पहाड़ों से भरा हुआ बर्फबात है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर रोजगार करने के लिए पड़ रहा है, कहीं जाकर उनको रोजगार के लिए नौकरी करनी पड़ रही है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। इसलिए आज जितने भी अभी तक सरकारें बनी सबने यही कहा कि रोजगार हम देंगे, फैक्ट्री हम लगाएंगे, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार क्यों न हो, अभी पांच विधानसभा सीटों को 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर से जीता, लेकिन अभी तक कोई बड़ी फैक्ट्री या छोटी फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगाया जिसके चलते जो है बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। यही सबसे बड़ा मुद्दा कारण है। भले सरकार ने निःशुल्क राशन दिए, लोगों को पैसे बांटे, लेकिन यहाँ पर बेरोजगार जो है वो कहता है कि मुझे मुफ्त राशन नहीं चाहिए, मुझे हाथों में रोजगार चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मिर्जापुर का। इसी को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जो है बेरोजगार और युवा वर्ग जो है अपनी पसंदीदा प्रत्याशी को अपना मत दे रहा है। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरह से आपने कहा कि रोजगार चाहिए, आत्मनिर्भर होना है सबको, हमें अनाज नहीं चाहिए, तो ये भी एक अहम बात निकल करके सामने आई है मिर्जापुर के युवाओं को कि उनको रोजगार चाहिए। ऐसे में अगर बात किया जाए वहाँ पे जो भी दिग्गज अभी मौजूदा विधायक हैं 4 सीटों पर, उनके क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने किया अपने कार्यकाल में और क्या कुछ और विकास कार्य जनता को चाहिए, क्योंकि अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में ये भी जानना एक अहम बात होगी कि उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है। देखिए कृष्णा, सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया विकास की बातें जो है मुद्दे की, यहाँ पर नगर विधानसभा क्षेत्र में रत्नाकर मिश्र जी जो है विंध्याचल के पंडा जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के 2017 के प्रचंड लहर में, मोदी जी की प्रचंड लहर में वो विधायक अवश्य बन गए हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसा कार्य जो है जनहित में नहीं किया गया है कि जनता उनसे संतुष्ट हो और वो कार्य करते। जनता जहाँ मोदी भक्त की बात है उसी अंधविश्वास के चलते भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे रही है, लेकिन यहाँ पर विकास की नाम पर नगर विधानसभा क्षेत्र के रत्नाकर मिश्रा जी अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। उनका प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक जरूर बड़ा काम किया है, विंध्य कॉरिडोर, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है वैसे विंध्याचल में विश्व विख्यात मंदिर है और विश्व विख्यात मंदिर पर विंध्य कॉरिडोर की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इससे नगर विधायक का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि जो है यहाँ पर नगर विधायक के द्वारा कोई बड़ा काम हुआ है।
यहाँ पर एक बिजली मंत्री भी है रमा शंकर पटेल, जो मढ़ियान विधानसभा क्षेत्र से है और उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री है। मढ़ियान में भी सबसे बड़ा जो है वो पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, नक्सलाइट इलाका है, वहां पर भी इन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं की है कि स्थानीय जनता को इस बार लाभ मिल सके। और जगह जगह अब ये सुनने में आया कि वो कहते फिर रहे हैं कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए, मैं आने वाले दिनों में मढ़ियान की जनता को संतुष्ट करूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता को संतुष्ट करूंगा, और वो लगे पड़े हैं। उनका जो मढ़ियान विधानसभा क्षेत्र है वो एनडीए के जो है अपना दल से अटैच है और मझवा विधानसभा से एक निषाद पार्टी से है और तीन भारतीय जनता पार्टी, टोटल पांच विधानसभा है जिसमें तीन भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और एक सीट पर निषाद पार्टी और दूसरे सीट पर अपना दल एनडीए लड़ रहा है। अपना दल का है वहां पर, क्योंकि जिस तरह से अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ पैट देखने को मिल रहा है अपना दल का, और जनता अपना दल से कितनी प्रभावित है? जिस तरह से एक छोटा दल होकर भी एक बड़ा काम करने का वादा अनुप्रिया पटेल करती है, हमेशा से पिछड़े और शोषितों के हक की बात अनुप्रिया पटेल करती है, वो मंत्री है अभी और उनके परिवार का भी एक अपना कलह सामने आया था, हालांकि उनका पर्सनल मामला है लेकिन वो आया जनता के बीच में है, तो ऐसे में इन कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में अपना दल एस और अपना दल जो दूसरा, उसको क्या कुछ कंट्रोवर्सी, कृष्णा गुट का क्या कुछ कंट्रोवर्सीज और क्या कुछ पैट देखने को मिलेगा, क्योंकि मिर्जापुर में अपना दल अपना एक अलग ही पैट रखती है। रही बात अपना दल एस की, तो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो निश्चित रूप से अगर अभी तक जब से भारत देश आजाद हुआ है और लोकसभा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी तक जो है सबसे बड़ा विकास पुरुष महिला के नाम पे, विकास नेता के नाम पर अगर इसका नाम आता है तो अनुप्रिया पटेल का आता है। तो अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पे करके ये साबित किया है कि मैं आपके विकास के लिए आई हूँ। यहाँ पर कई ऐसे प्रमुख गाड़ियां थी जो जिनका ठहराव रेलवे स्टेशन पर नहीं हुआ करता था, लोग अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने ऐसे कई ट्रेनों का ठहराव किया है जिससे यहाँ का व्यापारी सबका जो है काफी खुश हुआ है। निश्चित रूप से अपना दल यश जो है अनुप्रिया पटेल जी लगातार यहाँ पर जो पीतल उद्योग का कार्य है उसके लिए भी अनुप्रिया पटेल ने अभी हाल में ही बहुत बड़ा काम किया है जो है मेटल व्यवसायियों को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की जो है लोन की व्यवस्था इन्होंने की है, मेटल उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य किया है। तो अभी तक जो सांसद के दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विकास जो है सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के माध्यम से किया गया। और रही बात उनके घर की लड़ाई की, तो उनकी माता जी कृष्णा पटेल जो है अपना दल कमेरा पार्टी से है, वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, और अपना दल एस की जो है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है जी। तो ऐसे में अब अनुप्रिया पटेल जो है वो काफी कुछ कार्य कर रही है मिर्जापुर की जनता के लिए, तो मिर्जापुर की जनता कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के ओर जाती हुई दिख रही है, संतोष? बिल्कुल दिख रही है, पिछले लोकसभा में भी अनुप्रिया पटेल को काफी बहुमत संख्या में जो है अनुप्रिया पटेल को जिताया था, और वर्तमान में भी अनुप्रिया पटेल को जो है 2 बार यहाँ पर सांसद मिर्जापुर की जनता ने जिताया है और उन पर विश्वास जताया है। उनको मिर्जापुर की जनता को अगर सांसद के रूप में विश्वास अगर बना है तो वो पहली ऐसी नेत्री है अनुप्रिया पटेल जी जो है सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में मिर्जापुर ही नहीं बल्कि प्रदेश में कई जनपद उनसे लाभान्वित हुए। जी बिल्कुल संतोष, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतदान केंद्रों पर बने रहिए और मिर्जापुर की ग्राउंड जीरो की पल पल की खबर हम तक पहुंचाते रहिए। हमारे संवाददाता संतोष मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े थे। अगर बात मिर्जापुर की जाए तो जो अपना दल एस की है अनुप्रिया पटेल, उनका एक खासा पैट देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोही में मतदान जारी है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली, मिर्जापुर, भदोही,
सोनभद्र आजमगढ़ में यह चुनाव हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। 613 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता किसको चुनती है। अहम फैसला जनता का होगा। विकास का मुद्दा 2022 में अहम है। वही हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता ने चंदौली से ग्राउंड जीरो का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। अजीत पाठक, आज सातवें चरण का चुनाव चालू हो गया है। ऐसे में मुगलसराय की विधानसभा में बबरी में यहाँ पर वोटिंग चालू हुआ है 7 बजे से और लगभग यहाँ पर 6 बजे तक वोटिंग होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात की गई है और अंदर भी वोटिंग चालू हो गया, सुबह से वोटिंग चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग वोट दे के आ रहे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे किस अथवा को वोट दे के आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे आप किस मुद्दे पर वोट दे के आ रहे हैं। ऐसा मुद्दा कमर का फूट आ जाएगा, कुछ सोचे होंगे तभी ना दिए होंगे। अरे भाई वो सरकार बहुत काम कर लेगा, तब कहूँ कितना हम बताएं आपसे। हाँ तब इधर आई मतलब काम की है सब। इस बार योगी जी की सरकार बनेगी। हाँ बन जाएगी। मतलब किस मुद्दे पर वोट दिए इधर आई? विकास के मुद्दे पे दिए क्या देखे? विकास विकास भल बात बाबा जी। घर आइए आप वोट दे के आ रहे हैं, मतलब किस मुद्दे पर वोट दिए? मतलब किस मुद्दे पर वोट दिए? मतलब महंगाई के दिए हैं कि मतलब क्या देख के दिए हैं? मतलब कुछ सोचे होंगे तभी वोट दिए हैं। हाँ अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि कमल कोट दिए हैं, एक लोग बोल रहे हैं सपा कोट दिए हैं। हम बराबर यहाँ गांव रिपोर्टिंग करते रहेंगे और यहाँ पर बने रहेंगे और पल पल का हम रिपोर्ट यहाँ पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए प्राइम टीवी, मैं हूँ अजीत पाठक। कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और बताया कि चंदौली की जनता का क्या कुछ मत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग जगहों से लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए। प्रशासन भी कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा रहे हैं। सातवें चरण का चुनाव 2022 विधानसभा के चुनाव का आज आखिरी चरण है। सातवां चरण का मतदान आज संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने किसको चुना है, उत्तर प्रदेश की सियासत की कुर्सी किसको मिली है। ठीक है, तो वही लगातार सातवें चरण का चुनाव जारी है। सभी पार्टियां लगातार अपनी कोशिशों में लगी रही। बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जनसभाएं करते रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में रहे हैं, अपने दावे और वादों के जो पिटारे हैं वो जनता के सामने खोले हैं। अपने 5 सालों में जो विकास कार्य किया उसकी गिनती भी कराई है। ऐसे में अब जनता के हाथ में इनकी किस्मत का फैसला। और उत्तर प्रदेश जीतना पार्टियों के लिए इसलिए भी अहम होता है कि कहा जाता है दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 विधानसभा कई मायनों में अहम रहा है। जिस तरह से हर चरण में मुद्दे बदलते रहे हैं लगातार, वो भी एक अपना अहम मुद्दा रहा है। अलग अलग चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, पूर्वांचल में लगातार जिस तरह से मुद्दे बदलते रहे वो भी 2022 विधानसभा चुनाव का एक अहम बात था। लगातार इस बार मुद्दे बदलते रहे हैं। कई ऐसी बातें नई 2022 विधानसभा चुनाव में सामने आई है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री खुद विधानसभा चुनाव में मैदान में है। वही इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में सपा ने मतगणना में धांधली की जताई आशंका। सपा ने काउंटिंग में धांधली की आशंका जताई है। रामगोपाल ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, मतगणना के दौरान धांधली की जताई आशंका। सपा प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट अलर्ट किए, प्रमाण पत्र मिलने तक काउंटिंग टेबल नहीं छोड़ेंगे। बैलेट और ईवीएम पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। काउंटिंग में सपा प्रत्याशी के दो दो
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा ने मतगणना में धांधली की आशंका जताई है। सपा ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। रामगोपाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, पत्र लिखकर मतगणना में धांधली की आशंका जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान धांधली हो सकती है, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। रामगोपाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, सभी प्रत्याशी काउंटिंग पर अलर्ट रहने को कहा गया है, प्रमाण पत्र मिलने तक वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है और बैलेट ईवीएम पर कड़ी नजर भी रखने को कहा गया है। काउंटिंग में सपा प्रत्याशियों के दो दो वकील मौजूद रहेंगे। मतगणना में धांधली की आशंका समाजवादी पार्टी द्वारा जताई गई है। सपा ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। रामगोपाल ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, मतगणना के दौरान धांधली की आशंका जताई है उन्होंने। सभी प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट अलर्ट किए गए हैं, प्रमाण पत्र मिलने तक काउंटिंग टेबल नहीं छोड़े, ऐसा कहा गया है। सपा के प्रत्याशियों को, सपा के जो भी उम्मीदवार हैं, बैलेट और ईवीएम पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। काउंटिंग में सपा प्रत्याशियों के दो दो वकील मौजूद रहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना को लेकर सपा ने धांधली की आशंका जताई है। सातवें चरण का चुनाव जारी है, इसी बीच लगातार कई आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, चंदौली, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़ और भदोही में मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मुद्दे जो है वो भी सामने निकल के आ रहे हैं जनता के, कि जनता को इस बार 2022 में विकास एक अहम मुद्दा रहा है, रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में लोगों के रोजगार उनसे छिन गए हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, ऐसे में एक बड़ा मुद्दा रोजगार भी रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का जिस तरह से अपना एक मांग रहा है और शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, सीआरटी कार्यालय से लेकर सभी पार्टियों के कार्यालय तक, कभी मुख्यमंत्री आवास के सामने तो कभी बसपा के कार्यालय के सामने, कभी सपा के सामने, तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी भी एक अहम मुद्दा बने हुए हैं 2022 के चुनाव में। और ग्राउंड जीरो से हमारे प्रत्याशी आपको, हमारे जो संवाददाता है, प्रत्याशियों की एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और मतदाताओं के भी मत आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।